3, 2, 1 DJ Dillo. यहाँ पर ना बहुत बड़े बड़े घपले हो रहे हैं, आप उनसे पंगा नहीं ले लेगा। तो दोस्तों, एक्शन सुपर किंग सीरीज की लगभग सभी फिल्म रिलीज हो चुका है और दो फिल्म बाकी है, जिनमें से कावड़ाधारी 20 नवंबर को आने वाला है और दूसरा फिल्म है डीजे टिल्लू। ये फिल्म भी इसी नवंबर महीने में रिलीज हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, डीजे टिल्लू फिल्म का भी रिलीज डेट फाइनलाइज हो चुका है। डीजे टिल्लू 2022 में ही रिलीज हुआ एक तेलुगु रोमांटिक क्राइम कॉमेडी फिल्म थी, डायरेक्टेड बाय डेब्यूटेंट डायरेक्टर विमल कृष्णा सर। और फिल्म की मेन फीचर पर थे सिद्धू जोनाला गड्डा और फीमेल कास्ट पर थे नेहा शेट्टी। फिल्म बहुत ही अच्छी रही है, ऑडियंस एंड क्रिटिक्स ने बहुत ही पसंद किया है फिल्म को। रेटिंग पर भी 10 में से 7.2 का IMDb रेटिंग हासिल है। 10 करोड़ की बजट वाली फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ का कलेक्शन करके बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हुआ है। एंड आपको बता दूं कि इसका सेकेंड सीक्वल भी अनाउंस हो चुका है टिल्लू स्क्वायर नाम से, जो अगले साल आने वाला है। और यहाँ पे हम हिंदी ऑडियंस के लिए आदित्य मूवीज लेके आ रहा है डीजे टिल्लू को हिंदी डब में। जी हाँ दोस्तों, डीजे टिल्लू की हिंदी डबिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आदित्य मूवीज ने डबिंग कंप्लीट करवाई है और इसकी सेंसर सर्टिफाइड हुआ है 2 घंटा 4 मिनट के रन टाइम से। और अब इसको रिलीज करवाने जा रहा है सोनी मैक्स पर एक्शन सुपर किंग सीरीज पे 26 नवंबर को। जी हाँ दोस्तों, 26 नवंबर को रात को 8 बजे सोनी मैक्स पर रिलीज होगा डीजे टिल्लू। और आदित्य मूवीज इसका बैनर है, तो फ्यूचर में आदित्य मूवीज की यूट्यूब चैनल पर भी ये फिल्म अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं। तो बेहतर होगा अभी देखने के लिए आप इस फिल्म को टीवी प्रीमियर के दौरान ही देख लीजिए 26 नवंबर को। और दोस्तों, यहाँ पे जाते जाते आप हमें कमेंट करके बता के जाइए कि एक्शन सुपर किंग सीरीज पे सोनी मैक्स पर जितने भी फिल्म रिलीज हुआ है, इनमें से सबसे बेहतरीन फिल्म आपको कौन सा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बस फिलहाल इस वीडियो का सफर इतना का था। आई होप कि अपडेट पसंद आई है, पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।